आज हम लोग डिस्कस करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या जिसे हम कहते हैं आईबीएस। इसमें जो पेशेंट है या मरीज है, उसको ऐसा लगता है कि बार बार पेट में गैस बन रही है, बार बार मोशंस के लिए जाना है, पेट में दर्द होना है, ऐंठन होना है, गैस महसूस करना है। तो हम इसे जनरल भाषा में कभी कोलाइटिस भी कहते हैं, डाइजेशन का डिस्टर्ब होना भी कहते हैं, बट हम साइंटिफिक टर्म में इसको आईबीएस भी कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। और खासकर ऐसा तब होता है जब हम अलग अलग जांचें करते हैं मरीज की, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, खून की जांचें, वो सारी जांचें नॉर्मल होती हैं, बट मरीज को ये लक्षण बार बार आते रहते हैं, बार बार फ्रेश होने के लिए जाना, गैस बनना, पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, ऐंठन होना, और इसको लेके मरीज का स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। और कई बार हम ये देखते हैं कि ये मरीज को ये लक्षण हुए, उसका स्ट्रेस बढ़ गया, या उसको स्ट्रेस हुआ तो ये लक्षण आ गए, तो ये एक दूसरे को पुश एंड पुल, मतलब एक दूसरे को बढ़ाती हैं। स्ट्रेस बढ़ाएगा पेट के लक्षणों को, पेट के लक्षण होंगे तो मरीज को स्ट्रेस होगा। तो आखिर क्या है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस, या लेमन भाषा में हम कोलाइटिस कहते हैं? ये हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, वो सेंसिटिव हो जाती है, उसके हार्मोन्स और नर्व सेंसिटिव हो जाते हैं, और वो किसी भी नॉर्मल खाने को या किसी स्टिमुलस को एज अ पेनफुल स्टिमुलस लेता है, मतलब दर्द के तरह से महसूस होता है, और बार बार हमें वॉशरूम जाने, स्टूल पास करने की इच्छा होती है। कई बार हम जाते हैं, स्टूल पास नहीं होता, केवल गैस पास होती है। आईबीएस एक खराब बीमारी नहीं है, आईबीएस एक तरह से एक सेंसिटिव इंटेस्टाइन है, नाजुक इंटेस्टाइन है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से इसकी जांच करते हैं, अलग तरीके की रूल आउट करते हैं, और लाइफस्टाइल चेंज करते हैं अपना, स्ट्रेस को कम करते हैं, तो काफ़ी हद तक हम अपने हेल्दी लाइफ में आ सकते हैं। तो ये जानकारी हमारे लिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कोलाइटिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।